स्वागत है सभी का मेरे नए ब्लॉग में। जय माता दी, सुप्रभात सभी को। और कल मैं वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, इसलिए मैं वीडियो नहीं कल बना पाई। और सुबह का आज सारा काम मेरा हो गया है, सबका नहाना झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है। और बच्चों को मैं नाश्ता दे दी हूँ, बच्चे नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता में मैं दाल फ्राई और पराठा बना दी थी, तो बच्चे वही नाश्ता कर रहे थे। और ये चाय हम लोग का हो गया क्योंकि ये तो चाय पी के चले जाएंगे नीचे 9 बजे से 3 बजे तक की अभी इनकी ड्यूटी है, तो ये तो चले जाएंगे 9 बजे और 3 बजे आएंगे। इस बीच में खाना खाने के लिए आ जाए तो आ जाएंगे, नहीं तो नीचे में खाना भिजवा दूंगी इनका। तो देखते हैं जैसा जो होगा वो ये फ़ोन करके बता देते हैं, तो फिर उसी हिसाब से खाना का कर देती हूँ। नीचे भिजवाना रहता है तो नीचे भिजवा देती हूँ, नहीं तो ऊपर आके खाएंगे तो खा लेंगे घर पर ही आके। देखिए अभी तो बच्चों को पहले नाश्ता दे देती हूँ क्योंकि नाश्ते का टाइम हो गया है। और आज मौसम ठीक है, मौसम खुल गया है, धूप निकल गई है। बादल तो थोड़ी बहुत लग रही है पर धूप निकल गई है, तो थोड़ा बहुत जो घर का राशन मंगवाना है वो राशन भी मंगवाऊंगी। अब थोड़ा ही मंगवाऊंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जिस राशन वाले दुकान से राशन मंगवाती हूँ भैया बाहर गए हुए हैं, उनका दुकान अभी बंद है, तो दूसरे दुकान से ये राशन लेके आ जाएंगे। क्योंकि अच्छा नहीं लगता है आप कंटिन्यू किसी की दुकान से लो और फिर बाद में किसी की दुकान से लेने लगो तो अच्छा नहीं लगता है। तो जो ज़रूरत का सामान है वो मैं मंगवा लूँगी आज, नहीं बाद में वो भैया दुकान खोलेंगे तो उनसे सारा राशन फिर मंगवाऊँगी। आज मैं कपड़े फैला दी थी और आज धूप भी निकली है, अच्छी धूप है, बादल भी लग रही है पर धूप अच्छी है, तो मैं बाहर में कपड़े डाल दी थी। और ये देखिए हवा भी तेज चल रही है। इन ये भी आ गए थे और इनको भी मैं खाना दे दी हूँ। और ये खाना खा के अभी जा रहे मार्केट क्योंकि मौसम फिर खराब होने लगा है, पूरा बादल फिर से लग गया है, तो मौसम फिर खराब हो रहा। थोड़ी बहुत धूप निकली थी सुबह में, बाद फिर अभी दोपहर में मौसम खराब हो रहा, तो ये खाना खा के अभी निकल जाएंगे क्योंकि ले आएंगे, बारिश का कोई ठीक नहीं है, बारिश लगने लगेगी तो घर में मतलब राशन बिल्कुल ही ख़त्म है, तो थोड़ा बहुत राशन जो ज़रूरत है वो ले आएंगे अभी। तो ये खाना खा के जा रहे हैं राशन ले आने के लिए, सामान कुछ घर का और किचन का भी मंगवाना, तो वो सब भी ले आएंगे। बाद बाकी जितना मोटा मोटी सामान है वो कल या परसों जाके फिर ये लाएंगे। और ये आ गए राशन लेके, तो देखती हूँ क्या क्या लेके आए हैं क्योंकि अभी तो थोड़ा लेके आए हैं। जहाँ से राशन हम लोग लाते हैं उनका दुकान बंद है, वो कहीं गए हुए हैं क्योंकि अभी यहाँ पे बच्चों की छुट्टियाँ चल रही है तो सब चले जाते हैं, तो आएंगे वो कल परसों में आ जाएंगे। आज फ़ोन किए थे उनको तो बोल रहे थे कल परसों तक आ जाएंगे। देखिए सब्जी है, पपीता है, बच्चों का डिमांड था पपीते का तो पपीता लेके आए हैं। और ये पपीता लेके आए हैं, बैंगन, अरबी, ये सब लेके आए हैं। अरबी 70 रुपये कह रहे केजी दिया है, बैंगन 60 का केजी दिया है, तो यही सब लेके आए हैं। और इसमें और क्या देखती हूँ, गोभी, बस यार यही सब्जी मिलती है, गोभी और ये आलू है, आलू ये सब्जी लेके आए हैं क्योंकि मौसम ख़राब है। और मौसम ख़राब है तो थोड़ा बहुत सब्जी मैं मंगवा ली हूँ, जो एक दो तीन दिन तो चल ही जाएगा, मौसम ख़राब भी हो जाए तो। और गोभी देखिए, गोभी 50 का केजी दिया है, ये 1.5 केजी गोभी है और गोभी से ज़्यादा डंठल है इसकी। और राशन भी अभी ज़्यादा नहीं मंगवाई हूँ, जो बहुत ज़रूरी था वही राशन मंगवाई हूँ, ज़्यादा नहीं। लिस्ट तो बना के रखी हुई थी 3-4 दिन से पर मौसम की वजह से ये जा नहीं रहे थे। ये तेल, कपड़े वाला साबुन ख़त्म था तो साबुन यही सब मंगवाई हूँ। और आटा अभी 5-5 केजी लेके आए हैं आटा,
और ये चावल, जो ज़्यादा बहुत ज़रूरी था वही मंगवाई हूँ, और एक दो दिन के बाद फिर ये जाके ले आएंगे सारा राशन। तो ये बस आज ये थोड़ा सा राशन लेके आए हैं, यही। चलिए अब इन सब चीज़ों को मैं जगह पे रख देती हूँ खाली करके, इनका जहाँ है वहाँ पे लगा देती हूँ। और व्रत भी है आज का भी, कल का भी और परसों, तीन दिन कंटिन्यू व्रत भी है। आज मंगलवार, कल त्रयोदशी का है और परसों हमारे इधर चतुर्दशी का व्रत होता है, तो वो है नरक निवारण चतुर्दशी इसको कहते हैं हमारे इधर, तो उसका व्रत है। तो तीन दिन खाना तो तीनों दिन रात में है, पर पूरे दिन का व्रत है, पर तीन दिन कंटिन्यू। तो चलिए इन सबको जगह पे लगा देती हूँ और चाय बना देती हूँ। और परसों का जो व्रत है वो बच्चे भी कह रहे हैं जो हम भी करेंगे, तो ये लोग भी कर लेंगे, तो इसलिए मैं बोली थी इनको जो कुछ फल लेते आइएगा, क्योंकि मौसम ख़राब होने पे फिर जा नहीं सकते। तो कुछ नहीं मिला इनको, तो ये फ़ोन किए थे पपीता ले लूँ, तो मैंने ले लीजिएगा। और दूध मंगा दी हूँ मैं थैले वाला, ये देखिए, तो साबूदाना रखा हुआ है तो उसका खीर बना दूंगी, तो बच्चे फल यही खा लेंगे। बच्चे को तो पूरा दिन ऐसे भूखा नहीं रख सकती हूँ ना, तो बच्चे यही खा लेंगे और फल काट के दे दूंगी। और यहाँ पे फल में भी यही मिलता है, एक आध चीज़ ही मिलता है, सब कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो चलिए सब जो इन सब चीज़ों को अब मैं जगह पे रख देती हूँ। राशन मंगाने से ज्यादा होता है इसको रखना, दाल चावल का तो पता है, चलो इसी कंटर में रखना है। फिर जो छोटा सामान पिछले महीने का कम सामान लगता है उसको छोटे डब्बे में रखो, फिर उसको उस डब्बे में रखो, ये सबसे बड़ा काम रहता है। चलिए चावल तो रख दी मैं, अभी 5 kg मंगाई थी चावल, रख दी क्योंकि मेरे घर में बिन चावल का किसी को नहीं रहा जाता है, खास करके हम माँ बेटा को तो बिल्कुल ही नहीं, बड़े वाले बेटे को और मुझे, उसके पापा को भी। तो समझ लीजिए किसी को बिन चावल का हमारे घर में नहीं रहा जाता, एक दिन दिन रात रोटी खा ले वही काफी है। और आटा भी रख दी मैं, चावल रख दी, सब्जी सब्जी भी रख देती हूँ जगह पे, फिर बनाऊंगी चाय, क्योंकि एक तो मौसम भी ठंड है और दूसरा व्रत भी है, तो सोच रही हूँ थोड़ा चाय पी लूँ। सामान तो सारा रख दी मैं, आटा चावल सब्जी सब कुछ जगह पे। और ये तेल मंगाई थी थोड़ा सा, आधा लीटर तब तक, तो ये तेल रख देती हूँ इसमें, ये खुद से गिरता रहेगा। ये देखिए शाम की दोबारा चाय हमारी बन गई है, और दे देती हूँ मैं इनको भी, ये भी पी लेंगे। और आज मैं कपड़े धोई थी, तो आज धूप थी सुबह में, जितनी देर धूप रही है तेज धूप थी, तो कपड़े सूख गए हैं, जो नहीं सूखा है उसको मैं उस रूम में फैला दी हूँ। तो चाय पी लेती हूँ, उसके बाद कपड़े तह लगा के रख दूंगी, फिर खाना भी बनाना है। और अभी पापा जी से बात की थी तो वो कह रहे थे एकादशी आज है, तो चावल तो बनाऊंगी नहीं, रोटी ही बनाऊंगी। और मैं रात का खाना बना ले गई हूँ, रात के खाने में आज बनाऊंगी आलू का पराठा और आलू की चटनी, यही बनाऊंगी, क्योंकि आज एकादशी है तो चावल नहीं बनाऊंगी मैं, रोटी बनाऊंगी। तो सब्जी कुछ खाने का किसी को मन नहीं कर रहा था, ना गोभी ना बैंगन, तो सबका ड्राई हुआ जो आलू का पराठा ही बन जाए, तो आलू का पराठा ही बना दे रही हूँ मैं। तो उधर आलू चढ़ा दी हूँ तब तक, और इधर आटा गूंद लेती हूँ, साथ साथ दो काम हो जाएगा। आटा हमेशा मैं गुनगुने पानी में ही गूंदती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है रोटी सॉफ्ट बनता है। खाना तो मेरा बन गया, और मैं दे देती हूँ बच्चों को पहले खाने के लिए। ये बनाई हूँ मैं आलू की चटनी और आलू का पराठा। आज ये गए थे पर तब हम लोग
आलू और रोटी का कोई प्रोग्राम नहीं था, नहीं तो मैं दही मंगा लेती, तो तब तक कोई था नहीं जो हाँ आलू का पराठा बनेगा। तो चलिए, आलू की चटनी के साथ भी अच्छी लगती है खाने में, तो अब मैं दे देती हूँ इन लोगों को खाना। तो आज का हमारा रात का खाना यही है, और बच्चों का तो खाना हो गया, इनको भी दे दी हूँ मैं खाने के लिए, और मैं भी जा रही हूँ क्योंकि लास्ट पराठा बन गया है मेरा। एक और है बनाने के लिए, उसके बाद लास्ट हो जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ मैं अपना वीडियो भी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। शुभ रात्रि।